अगर आपको गर्मियों में लू से बचना है तो आपके लिए ये एकदम परफेक्ट ड्रिंक है। ये सुपर हेल्दी एंड रिफ्रेशिंग है एंड ये एकदम झटपट बन करके रेडी हो जाता है। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये आम पन्ना बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगने वाली है कच्ची केरी। तो यहाँ पे मैंने 2 कच्ची केरी ली है। एकदम कच्ची और खट्टी होनी चाहिए जिससे कि जो आम पन्ना है वो बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा। आप तोता फली भी ले सकते हैं। इसको हम कुकर में ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके कुकर को हम लोग बंद कर देंगे। इसे हमें 3 सीटी होने तक अच्छी तरीके से कुक कर लेना है। गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो में रख दीजिएगा जिससे कि जो आम है वो एकदम अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा। तो 3 सीटी के बाद यहाँ पे ये मैं सीटी हटा दे रही हूँ एंड इसको हम खोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम परफेक्टली आम कुक हो चुका है। आम को मैंने प्लेट में ठंडा करने के लिए रख दिया है। जैसे ये थोड़ा सा नॉर्मल ठंडा हो जाएगा इसकी हमें स्किन रिमूव कर देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से ऊपर से पहले मैंने कट कर दिया एंड इसकी मैं स्किन रिमूव कर रही हूँ। तो ये देखिए एकदम परफेक्टली स्किन रिमूव हो चुकी है दोनों की। अभी हम इसका जो पल्प है वो पूरा का पूरा निकाल देंगे अच्छी तरीके से एंड जो पल्प हमने निकाला वो हम लोग ग्राइंडर में ऐड कर देंगे। तो पल्प ऐड करने के बाद इसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं फ्रेश पुदीना के पत्ते जिससे कि एकदम अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। इसी के साथ एकदम छोटी साइज की मिर्ची ऐड कर दीजिए एंड इसमें हम गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ के जगह आप शुगर का भी यूज कर सकते हैं लेकिन गुड़ हेल्दी रहता है इसके लिए मैंने यहाँ पे इसमें गुड़ ऐड किया है। इसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं थोड़ा सा काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, अगर आप चाहे तो सेंधा नमक भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा जीरा का पाउडर ऐड करेंगे, भुना हुआ जीरा का पाउडर। इसी के साथ एकदम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। सो ग्राइंड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट मिक्सचर बन करके रेडी हो चुका है। आप ये मिक्सचर को फ्रीज में 5 से 6 दिन तक अच्छी तरीके से एयरटाइट कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आम पन्ना बनाना सिखाती हूँ। हमने जो मिक्सचर प्रिपेयर किया वो हम लोग सर्विंग ग्लास में ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है। इसमें हम थोड़े से फ्रेश पुदीना पत्ते ऐड करेंगे। देन इसके अंदर एकदम ठंडा ठंडा बर्फ ऐड करके ठंडा पानी इसमें ऐड कर दीजिएगा। देन इसे हम लोग एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे एंड देन यहाँ पे ये जो आम पन्ना है वो बन करके रेडी हो जाता है। तो सर्विंग के टाइम अगर आप इसमें पुदीना के पत्ते ऐड करते हैं तो ये दिखने में भी अमेजिंग लगेगा एंड टेस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। सो रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना एंड अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड एंजॉय। बाय बाय।